राजा नरपत सिंह जहर वाले कपड़ा पहन के अपने घोड़ा से झांसी से जैसे निकले और उनके पूरे शरीर में फफोला पड़ गए और उनकी दर्दनाक तरीका से मौत हो गई। राम राम भज्जा हरो। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय किला में लेके आए हैंगे जिते कि राजा को उनके दुश्मन ने जहर से भरे कपड़ा पहना दिए थे और उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। जो किला है वो टहरौली को किला, जो झांसी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है वो, और बहुत ही रहस्यमय किला है वो। आखिर काय राजा को इतने षड्यंत्र तरीका से मारो गो तो ना कि युद्ध से, काय इस तरीका की चीज़ें ई किला में भाई हैंगी जो नहीं होनी चाहिए जितनी, और दूसरे किला में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आपने कि तुम सुनो है कि जहर से भरे कपड़ा पहना के को घो मारो गो है वो। वह तो बहुत ही ऐतिहासिक किला है वो, जो आप देख सकते हो जो इतने को प्रवेश द्वार है वो, और इस तरीका को जो दिखाई देते हैं वो, इस तरफ और इस तरफ दो बुर्ज बने हैंगे जो आपको साफ साफ दिखाई दे, जो सुरक्षा की दृष्टि से आपको प्रत्येक किला में देखे हुए किलाने मिल जाते हैंगे। अब अपन और इतना खुआ तो आप देख सकते हो कि इनमें कितने बड़े बड़े किले लगे हैंगे, तरक आगे आके दिखा दो जाए। इतने बड़े किले हमने अब तक कौन और दूसरे किला में देखेंगे, ये बहुत बड़े बड़े किले थे लगे हैंगे। और देख सकते हो आप पीछे से दिखा दो जाए तना गेट को इस तरीका से, तो कितना विशाल गेट तय बनो है वो। और ई के ऊपरी हिस्सा पे अगर आप देखो तो तीन छज्जे जैसे ये बने हैंगे, दरवाजे जैसे, ताकि जब भी राजा इतने प्रवेश करें तो उनके ऊपर फूल बरसाए जा सकवे। आप ई तरफ भी देख सकते होगे थे पहरेदार खड़े होते एक समय पे, और उनके इनके अंदर उनके जो हथियार वगैरह होते हैं वे रखे जाते होंगे। आओ आगे की ओर बढ़े अपन। और आप देख सकते हो जब रियासत किस तरीका से वीरान पड़ी है आज के समय में। और अगर बात करी जाए कि जो किला किने बनवा हो तो जो किला बनवा हो तो ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने सन 1621 में, और उनके पुत्र बाघ राव ये किला में रथ थे। आप देख सकते हो जो किस तरीका से खंडर हो गया है वो। ये किला की अगर बात करें तो जो किला बहुत ही विशाल किला है वो, जो 5 एकड़ में फैलो है वो, और आज के समय में जो खंडर हो गया है वो। और एक हो सरकार की तरफ से यानी राज्य सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपया मिले हैं कि इसकी देखभाल करी जाए। लेकिन हालांकि तो ज़्यादा कछु देखभाल तो दिखाई नहीं दे रही हैगी, लेकिन फिर भी बिला ठीक ठाक है वो। इतना भी देख सका तो अब किस तरीका से ये खंडर हो चुके हैंगे। आओ तो फिर आगे की ओर बढ़ें और आपको दिखाएं इतने रखी विशाल तोपें, और इको इतिहास आपसे साझा करें। अब अपन और किला की तरफ बढ़ रहे हैंगे, और जो किला बहुत ही विशाल किला है वो, और ई किला में मंदिर, बावड़ी, 5 कुआ, रानी महल और बहुत सारी इमारतें बनी हैंगी। जो इको दूसरा दरवाजा है वो आप देख सकते हो कछु इस तरीका से जो बनो है वो। आ जाओ आगे की ओर अपन में बढ़े, कहें कि जो बहुत ही विशाल किला है तो थोड़ा सा समय तो आपको इसके बारे में बताए में लगे, और हर जानकारी हम आपको ये वीडियो के माध्यम से आज दे आए हैंगे और ई किला को पूरा इतिहास बताए आएंगे। आप ई तरफ देख सकते हो गे बुर्ज बनो है वो और कछु इस तरीका से, और ई तरफ को रास्ता है एक ई के ऊपर जावे किला ने। अब हम आपको ई किला की विशाल गाय तोप दिखाई वाहेंगे जो ई तरफ को पड़ी हैगी। आप देख सकते हो जो कितनी विशाल गाय तोप अष्ट धातु से बनी हुई हैगी और किस तरीका से तय पड़ी हैगी। जा तोप पहले ई ऊपरी वाले टीला पे रखी हती, लेकिन बरसात के समय में जो टीला टूट गया और जा तोप इतने नीचे आके गिर गई थी। आप देख सकते हो जो जो आप छेद देख रहे होगे इतने बार रस्सी लगाई जाती हुई आग जलाई वाली, और इतनी से आग लगाई जाती हुई तोप में,
और जो ई में बारूद भरो जात हुई है वो ई जगह से भरो जात हुई है और इतई से जा किलोमीटर दूर तो दुश्मन को धूल चटा दी थी एक समय पे। अबे अपन और ई तरफ को बढ़ रहे हैंगे, ई तरफ दीवालन के ऊपर बेहद ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हैंगी, वे अब आपको हम दिखावे वाए हैंगे। आ जाओ ई तरफ को, ई दीवाल पे बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स आपको देखने के लाने मिल जाए। जी आप देख सकते हो कछु भाला लहेंगे तलवारें बगल में टंगी भाई आपको दिखाई दे, इस तरीका की पेंटिंग से तय बनी हैंगे और कछु व्यक्ति घोड़ा पे बैठे दिखाई दे आपको देख सकते हो आप। हालांकि ज़्यादातर जो पेंटिंग से भी खराब हो चुकी हैं लेकिन जितनी भी बची हैं वे बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही हैंगी। अब अपन हमारे ई के भीतरी हिस्सा में चल रहे हैंगे, आ जाओ देख सकते हो आप ई तरफ खो, ई तरफ खो भी बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी है दरवाजे के ऊपरी हिस्सा पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीका से ये दिखाई दे रही हैंगी। अबे आप और ई तरफ को देख सकते हो कि जब दीवार को हिस्सा टूटो है वो, आ जाओ अंदर की ओर देखें कि अंदर का है वो, आ जाओ अंदर इतने बेहद ही अंधेरो डलो है वो और एक ई तरफ देख सकते हो आप कक्ष जैसो बनो है वो इस तरीका से और एक ई तरफ भी ऐसे कछु बनो है जो इतने के कक्ष ही हुई है और इतने बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह डली हैगी आप देख सकते हो, लेकिन जो भी है इस तरीके से जो दिखाई दे रहा हो खाली कक्ष बन गई है मात्र। और ई तरफ को देखें कि ई तरफ को का है वो, ई तरफ में एक सकरी सी गली बनी हैगी, आ जाओ तो फिर इतना हो देख सकते हो आप। ई तरफ को ऊपर चढ़वे के लाने सीढ़ी आएंगी डायरेक्ट इतनी से चढ़े, आ जाओ आ जाओ देख सकते हो आप कछु किस तरीका से इस सीढ़ियाँ पे बनी हैं किस तरीका से टूट चुके हैं और उनके हिस्सा में का है वो अगर हम पतो चढ़ेंगे लेकिन चल के देख ले भाई हैं आ जाओ। आप जोन जो जगह देख रहे हो देख सकते हो कितनी अलग डिज़ाइन बनी हैगी, शायद ही आपने और कोनो किला में इस तरीका की डिज़ाइन देखी हो वे और इस तरीका की डिज़ाइन इतने बनी हैगी। कछु लोग कथेंगे कि मैं शेर बंदत तो मतलब शेर को पालत थे राजा यही में बांध के रखत थे, लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई हैगी ई को सबूत अब तक को के पास भी नहीं है वो, लेकिन जो इतनो अनोखो है वो तो आदमी कछु बातें बना दे थेंगे और कछु कछु बातें उनकी पुरखा बताते तो उन्हें पतो रहते, हालांकि ऐसी कि तुम लिखित जानकारी नहीं है और ऐसो कछु है नहीं है। अब जो भी हो ई के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है अपन को। और आप ई तरफ को जो जो तालाब देख रहे होगे जो है वो सिंदूर सागर के नाम से जाने जाते हैं वो ई को, जो इस तरीका से दिखाई दे रहा हो देख सकते हो उनके बीच में पेड़ वगैरह भी लगे हैंगे। और ई तरफ को देख सकते हो आप और भी किला बनु है वो। और अबे हमने आपको बताई हती कि ओरछा के राजा वीर सिंह ने जो किला बनवाओ तो और उनके पुत्र बाघ राव ने ई किला पे शासन करो तो और 18वीं शताब्दी तक उन्हीं के वंशज जो हते उनने ई किला पे शासन करो तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक के जो राजा हते बेहते राजा लक्ष्मण सिंह और इतने के जो आखिरी राजा हते बेहते राजा नरपत सिंह जो इतने के बहुत ही बलशाली राजा हते, वे अभी तक कोनो भी युद्ध नहीं हारे थे, वे बहुत ही शक्तिशाली हते, यही वजह से उन्हें धोखे से मारो गो हतो। और हम आपको ये वीडियो के आगे बताए वाहेंगे कि आखिर उन्हें इस तरीका से काय मारो गो हतो, तो वीडियो में बने रहो। अब हम आपको ई किला के दूसरे हिस्सा की तरफ घुमावे के लान ले आएंगे, ऊ तरफ से हमें कोनो रास्ता नहीं दिखो है वो और देख सकते हो आप ई तरफ को कितनो विशाल काय बुर्ज बनो है वो जो बहुत ही बड़ो दिखाई दे रहा है वो। और शायद ई किला के अंदर मंदिर है वो, ये वजह से आप देख सकते हो इतने एक घंटा भी लगो है वो। अबे अपन और ई किला के दूसरे हिस्सा में आ गए हैंगे
और इतने बहुत सारी इमारतें बनी हैं, और आप देख सको तो किस तरीका की, तो आखिर इतने सीढ़ी बनाई गई है, आखिर इतने राजा वगैरह कैसे चढ़त हुई है, देख सको तो कितनी सकरी सीढ़ी और कितनी एकदम खड़ी सीढ़ी इतने बनाई गई है इस तरीका से। अबे अपन और ई किला के सबसे ऊपरी हिस्सा में हैंगे, और अगर आप ई तरफ को देखो तो आपको दिखाई देगा कितने दूर दूर तक जो ताला फैलो है, और जोन जो आप हिस्सा देख रहे होगे, जो वालो हिस्सा जितने जब पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हैंगे, जो एक किले को हिस्सा है वो देख सको तो आप किस तरीका से ये जंगल फैल चुको है। राजा नरपत सिंह के बाद ई की देखभाल को उन्हें भी नहीं करी हैगी, और सरकार द्वारा दिए गए 3 करोड़ रुपये को भी उपयोग हमें तो कितना अच्छे तरीका से नहीं दिखाई दे रहा है। वो आप भी देख सकते होगे कि हालत किस तरीका से हो चुकी हैगी। आप जोन जे ई के ऊपरी हिस्सा में जो छेद देख रहे होगे, जो ई के लाने बने हैंगे ताकि जब भी दुश्मन उतरफ से अगर हमला करे और अगर ई तरफ तक आ रहे हैं तो इस तरीका से बैठ के और इतने से तीरन से और बंदूकन से उन पर हमला कर पाए। अगर दुश्मन दीवार चढ़ के आ रहे हैं तो इनकी मदद से खोलत बहुत तेल यानी गरम तेल डाल दो जाते तो दुश्मन इनके ऊपर। इस तरीका से बहुत सारे छेद आपको इतने दिखाई दें जो इस तरीका से बने हैंगे, लंबे लंबे छोटे छोटे, और दिशा इतना उतना करवे के लाने देख सका तो आप इस तरीका के तीनों दिशाओं में मतलब अलग अलग होल्स बनाए गए हैं। अबे अपन और ई किला के ऊपरी हिस्सा में हैंगे, और आप देख सकते हो इतने कितने सारे कक्ष बने हैंगे, और कक्ष के अंदर आप कक्ष देख रहे किला ने मिले, और इतने इस तरीका की आर्च वगैरह भी बनी हुई। आ जाओ अंदर की ओर, इस तरीका के आपको कक्ष दिखाई दे रहे जो इतने इस तरीका से बने हैंगे, और आपको ई तरफ को इस तरीका की झरोखे दिखाई दें जो झरोखे इतने बने रहते थे, और सैनिक वगैरह इतने तैनात रहते थे झरोकन के पास के पूरो एरिया कवर रहे के कोनो भी दुश्मनी पे आक्रमण ना कर पाए। और जोन जो आप हिस्सा देख रहे होगे, जो वालो हिस्सा अगर सही तरीका से अगर अपन और समझे ये चीज़ को तो जो अस्तबल की तरह दिखाई दे रहा है, वो शायद इतने पुराने समय में या राजा जब शासन करते थे उस समय में इतने घोड़े वगैरह बांधे जात हुए। अब हम आपको बताए हुएंगे कि राजा नरपत सिंह को काय इतनी दर्दनाक मौत दी गई हती। बात हती 19वीं सदी के आसपास की, जब राजा नरपत सिंह ने सबरे युद्ध जीत लिए थे, कोनो भी राजा उन्हें हरा नहीं पा रहा, तो इस वजह से सब रानियां और राजा ने मिलकर एक सभा बुलाई झांसी में, और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचो कि अपन और उन्हें धोखे से जहर वाले कपड़ा पहनाए, और उके बाद राजा नरपत सिंह को झांसी बुलवाओगे, और उन्हें झूठी कह दी गई कि हम आपको सम्मान करें वो चाहतेंगे, और सम्मान के तौर पे आपको ये वस्त्र मतलब यानी कपड़ा पहना वो चाहतेंगे। और जैसे ही उन्हें कपड़ा पहनाए गए तब उन्हें हाल के हाल तो कछु नहीं भाओ, और जैसे ही वह सभा खत्म भई और राजा नरपत सिंह जहर वाले कपड़ा पहन के अपने घोड़ा से झांसी से जैसे निकले तो तनक दूर पहुंचते नहीं, जैसे भी परसा तक पहुंचे और उनके पूरे शरीर में फपोला पड़ गए और उनकी दर्दनाक तरीका से मौत हो गई। जो ही कारण है तो कि उन्हें इस तरीका से मारोगे तो कहे कि वे कोनो से भी राजा से जीत नहीं पा रहे थे, मतलब कोनो भी राजा उनसे नहीं जीत पा रहा था, जो ही कारण है तो कि उन्हें इस तरीका की साजिश से आखिर मानने पड़े। और ई तरफ को जोन जो आप गेट देख रहे होगे, जो इतने की शौचालय को गेट है, वो जैसे ही आप ई तरफ को अंदर बढ़त तो आपको ई तरफ को दिखाई दे आज से 400 साल पुरानो शौचालय, जो इस तरीका से राजा रानी इस्तेमाल करते। आप देख सका तो इस तरीका से आज से 400 साल पहले शौचालय बनाए जाते थे, और इतने उजाले के लाने आप देख सकते होगे एक छोटो सो छेद भी ऊपर बनो है वो। आ जाओ ई तरफ को देख सकते हो आप इस तरीका की डिजाइन है तो बनी हैंगी, छोटे छोटे आर्च भाई दरवाजे आपको दिखाई दे जो 5 फुट 2-3 इंच के दरवाजे थे बने हैंगे। ई तरफ खो जाओ जो जो कक्ष है वो जो बताओ जाते हैं कि जो रानी महल है वो
और इन कक्षन में रानी निवास करती रानी रथ थी। आ जाओ इनके ऊपर वाले कक्ष में चल के देख रहे हैं कि आखिर ऊ की स्थिति आज के समय में काहे। जोन जी अबे हमने आपको कक्ष दिखाए हैंगे जो रानी के कक्ष हैंगे और आप देख सकते हो तो झरोखे वगैरह भी बने हैंगे जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो और जा वीडियो अपने दद्दा भाई नो पहुंचा दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लाने, और शेयर भी कर दियो काहे कि आपको एक शेयर बहुत मोटिवेट करत हम लोगन को। तो धन्यवाद, ओके, गुड बाय, जय श्री राम।